स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के डिजिटल कॉर्नर पर। साथियों, हम वोटर आईडी कैसे करके और कहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज आया हूं। आपको गूगल पर जाना है, वहां पर NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्च पोर्टल है, सर्विस पोर्टल है, आपको वो खोलना है। जैसे आप गूगल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है होम पर। कोई अगर वेबसाइट पर नहीं जाना है आपको, किसी वेबसाइट पर यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से पेज ओपन होगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप जैसे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा लॉगिन रजिस्टर पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं लॉगिन या रजिस्टर पर, तो आपको इस तरह से आता है। यदि आपका पहले से यहाँ पर ID बना हुआ है तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम, मैं आपको बता दूँ, यदि आपका पहले ID बना है तो यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड डालकर और यहाँ कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आपका पहले से नहीं है तो आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना है। आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो है डोंट हैव अकाउंट, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जाती है आपसे, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड, ये दोनों चीज़ें डाल के आपको यहाँ पर OTP जो लिखा हुआ है इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप ये OTP सबमिट करेंगे तो आपका यूज़र ID क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, फिर जैसे ही आपका वो बन जाता है आपको होम पेज पर जाना है, और यहाँ पर जैसे ही आप आएगा तो फिर वापस से वही, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। और मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। साथियों, मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जो है कि ID लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। यदि आपका 2020 के बाद में यदि आपका वोटर ID में नाम जुड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके जो है अपना ID डाउनलोड कर सकते हैं, यदि 2020 के बाद बना है तो, या फिर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यदि 2020 से पहले का यदि आपका है तो आपका यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। हाँ, यदि आपको अगर वोटर ID कैसे करके आप मंगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ कि यदि आपका 2020 के बाद में यदि आपका वोटर ID बना है तो आप ये देख सकते हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ भी क्लिक नहीं करना है, यहाँ भी इन चीज़ों पर नहीं करना है, आपको यहाँ डाउनलोड एपिक पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप एक चीज़ पूछी जा रही है एपिक नंबर, आपको क्या करना होगा, एपिक नंबर पर क्लिक टिक करके यहाँ पर अपना एपिक नंबर यानी कि अपना वोटर ID नंबर एंटर करना होगा। वोटर ID नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना होगा, आपको जो स्टेट चूज़ करना है स्टेट चूज़ करके आपको सर्च कर लेना, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये 2020 के बाद का है। अब इससे पहले का यदि आपका है तो इसके लिए आपको होम पर जाना होगा अपना, यानी कि बैग जाइएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी, जैसे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन शिफ्टिंग डुप्लीकेट इफेक्ट। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना करना है या फिर फैमिली का या फिर सेल्फ का, तो आपका सेल्फ या फिर फैमिली चुनना है। तो जो है साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने अभी जो है सेल्फ पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से क्या सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको फिलअप करनी है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आप इस चीज़ को फिलअप कर देंगे तो आप अपना वोटर ID जो है आप घर बैठे अपने जो है फ़ोन से घर बैठे आप पोस्ट के द्वारा मंगा सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे करके वोटर ID कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।